बॉलीवुड अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर साल 2021 में एक अभिनेत्री से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। केआरके के खिलाफ साल 2021 में एक अभिनेत्री के साथ फिल्म में लीड रोल देने का वादा कर कथित रूप से छेड़खानी करने का आरोप है। बता दें कि 52 वर्षीय अभिनेता केआरके बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी पर अपमानजनक ट्वीट के लिए न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में जमानत याचिका पर आज यानी 5 सितंबर को अदालत में सुनवाई होनी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह 2017 में मुंबई आई थी और वह एक अभिनेत्री, गायिका और फिटनेस मॉडल थी। उन्होंने बताया कि वह एक हाउस पार्टी के दौरान ही केआरके से मिली थी। उस वक्त केआरके ने शिकायतकर्ता के सामने खुद को एक फिल्म निर्माता के तौर पर पेश किया और दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार केआरके ने अभिनेत्री से कहा कि वह अभिनेता इमरान हाशमी के साथ कैप्टन नवाब नामक एक फिल्म में उसे मुख्य भूमिका देंगे और मोबाइल पर अश्लील टिप्पणी की। दर्ज एफआईआर के अनुसार जनवरी 2019 में अभिनेता केआरके ने शिकायतकर्ता को अपने जन्मदिन के अवसर पर बंगले पर बुलाया था। शिकायतकर्ता उस दिन नहीं गई, लेकिन कुछ दिनों बाद शाम करीब 7 बजे वह उसके बंगले पर थी। उन्होंने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से केआरके उसे अपने बंगले के पहली मंजिल के कमरे में ले गया। वहां उसने अभिनेत्री को नशीली पदार्थ पीने की पेशकश की, जिसे उसने मना कर दिया। दर्ज आरोप के अनुसार फिर संतरे के जूस में केआरके ने अभिनेत्री को नशीला पदार्थ दिया, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे। इसके बाद केआरके ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने कहा कि किसी तरह वह वहां से निकली। साल 2021 में शिकायतकर्ता ने इस घटना की जानकारी अपने एक दोस्त को दी तो उसने पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। इसके बाद उसने वर्सोवा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और केआरके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शनिवार को वर्सोवा पुलिस ने केआरके को जेल से हिरासत में ले लिया। केआरके को रविवार को बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। केआरके के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन धाराएं जमानती होने के कारण मजिस्ट्रेट ने पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया और केआरके को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।